और इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। ये किताब बहुत ही मतलब एक बहुत ही डिफरेंट किताब है। ऐसा नहीं कि आमतौर पर जो किताब हम लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ भी लिखा रहता है, वंस अपॉन अ टाइम एक था राजा एक थी रानी, इस तरह कहानी नहीं है। ये किताब शुरू में ही प्रीफेस में ही लिखता है कि जालिकल किताब उला रहे फिर हुदल लिल मुत्तकी, शुरू में ही लिख रहा है। और सब किताब आप कितना भी बड़ा ऑथर का लिखिएगा, महात्मा गांधी की बुक पढ़िएगा, हिंदू धर्म पढ़िए, या आप किसी भी ऑथर को पढ़िए, कैरेन आर्मस्ट्रांग को पढ़िए या और भी कोई बड़ा सा बड़ा ऑथर को पढ़िए, वो प्रीफेस में लिखता है कि ये किताब में अगर कोई मिस्टेक मिले तो हमको बोलिएगा, हम इसको सुधार लेंगे। ये किताब में शुरू में ही अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जालिकल किताब उला रहे, इसमें कोई शक नहीं कि एक हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और अगर तुमको इसमें शक है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23, तो अगर वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतु बिसूरति मिन मिस्ली, तो इसकी जैसे एक सूरह बना लो। दुनिया में अब इंडियन जो रहेगा वो बोलेगा हमको हिंदी आता है, हमको अरबिक आता नहीं, फ्रेंच बोलेगा हमको फ्रेंच आता है, अमेरिकन बोलेगा हमको इंग्लिश आता है। तो दुनिया में मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारे कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं इजिप्ट में, अरब वर्ल्ड में, जो कि अरबी जानते हैं, मैं जैसे हिंदी या उर्दू बोल रहा हूँ वो अरबी बोलते हैं, वो लोग अभी भी 15 से 20 मिलियन होने के बावजूद, मतलब उतना ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इस जैसी एक सूरह नहीं बना पा रहे। ये एक मौजज़ा है इस कुरान का। उसके बाद इस कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक फैक्ट्स है। बिग बैंग थ्योरी चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ध कानत रत्कन फफतकनाहुमा, क्या वो लोग जो इनकार करते हैं वो देखते नहीं कि ज़मीन और आसमान एक थी और हमने उसको अलग अलग किया। ब्लैक होल, अभी कुछ दिन पहले ब्लैक होल का एक इमेज आया था, बहुत बड़ा साइजेबल डाटा, 50 कितना GB लगा, मतलब उतना हार्ड डिस्क का स्पेस लगा, तब जाकर के उसका इमेज फाइंड आउट, मतलब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। तो उस ब्लैक होल के बारे में कुरान में आज से 1400 साल पहले लिखा हुआ है, फला उक्सिमु बिमा वाकी उन्नजूम, तो मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला फरमाते हैं उस जगह की जहाँ सितारे डूबते हैं। आप आराम से जाइए गूगल पे और लिखिए कि सितारे कहाँ डूबते हैं, वेयर द सन स्टार्स आफ्टर, मतलब जहाँ जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब उनका रोशनी ख़त्म होता है तो क्या होता है, तो उसमें आपको पता चलेगा जब स्टार ख़त्म होता है तो वहाँ पर एक वैकम बनता है जो कि ब्लैक होल के नाम से आता है। तो अल्लाह ताला कुरान में आज से 1400 साल पहले उसी के फला उक्सी में मवा की नजूम, तो मैं कसम खाता हूँ सितारों की डूबने की जगह की, मतलब ब्लैक होल की, और बहुत ही बड़ी कसम है अगर तुमको मालूम। इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इस कुरान में, और सबसे ताज्जुब की बात कि एक भी अनसाइंटिफिक फैक्ट ने बात नहीं इसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं एक ऐप को, और आप बहुत ही आराम से उसको ये किताब दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये किताब इस महीने में नाजिल हुआ, मैं चाहूँगा कि आप इसको